यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल संस्था द्वारा हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य विशाल अन्नकूट भंडारा एवं कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला ग्रुप की सदस्यों ने एक साथ मिलकर एकजुट होकर भंडारे को सफल बनाने में तन मन धन से योगदान दिया। विधिवत पूजा अर्चना एवं भगवान को भोग लगाने के साथ प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य रूप से सभी सदस्य अपने परिवार सहित भंडारा व प्रसाद वितरण का हिस्सा बने। भंडारा प्रभु इच्छा तक चला, जिसके उपरांत श्री कुंज बिहारी जी का संकीर्तन एवं भोग का आयोजन महिला संस्था द्वारा किया गया। आयोजन को सफल बनाने में संजना भटनागर, दिव्या, स्नेहा शर्मा, मिली सिक्का, अदिति मयूरी, तृप्ता सिंह, मानसी, श्रद्धा, गीतिका, निधि, संज्ञा शर्मा, शालिनी, नीलम, हरप्रीत, सुमिता सिक्का, अनुपा, नेहा मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे। आज हमारी महिला संस्था यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल की तरफ से अन्नकूट का भंडारा किया जा रहा है, जो गोवर्धन पर किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे वक्त से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रसाद सबको जरूर टेस्ट करना चाहिए। इसका स्वाद छप्पन भोग की तरफ से बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें 56 तरह की सब्जियाँ मिलाई जाती हैं और ऐसी सब्जी शायद साल में कभी भी कहीं भी नहीं जाती है जो आज के दिन बनती है। इसलिए इसका स्वाद भी अलग होता है और इसको खाने से कहते भी हैं कि लोग बहुत पुण्य मिलता है, बांटने से भी और खाने से भी।